हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो ये जो वीडियो है ये है मुहर्रम के दिन का। जिस दिन मुहर्रम था तो समथिंग एक हफ्ते हो चुके हैं, सैटरडे को था, लेकिन मैं पूरा प्रॉपर तरीके से बना नहीं पाई थी इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाई। तो अब मैं ये शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मिनी और मेरी ननंद डुग्गू जा रहे थे मेरी जेठानी के घर, क्योंकि मेरी जेठानी की जो बड़ी बेटी है वो जयपुर में जॉब करती है, तो वो अपनी जॉब में वापस जा रही थी इसलिए इन लोग मिलने जा रहे थे। अभी फ़िलहाल वो एक महीने के लिए घर आई थी छुट्टी में, छुट्टी नहीं, वर्क फ्रॉम होम कर रही थी वो, तो इसलिए वो वापस जा रही है। तो इन लोग के जाने के बाद मैंने अपने लिए लगाया था खाना और हस्बैंड आ गए थे तो उनके लिए तो मैंने बनाए थे सिर्फ कढ़ी चावल साथ में, और कुछ नहीं था। तो ये मैंने दोपहर को खाना बनाया था। उसके बाद डुगू लोग आ गए थे, डुगू लोग समथिंग एक दो घंटे में आ गए थे, 2 या 3 घंटे में। उसके बाद ये शाम की क्लिप है। शाम को मेरे को ना फीवर आ गया था क्योंकि मैंने बहुत सारे दिन में कपड़े धोए थे इस वजह से, और इस समय मेरी तबीयत ठीक भी नहीं चल रही थी तो मेरा कुछ ऐसा मन नहीं था। तो हस्बैंड छोले और भटूरे लेके आए थे, मैंने उनसे बोला था कि खाना रखा है पर वो ले आए थे। तो यहाँ पर हम छोले भटूरे खा रहे थे। उसके बाद ये दूसरे दिन की क्लिप है, तब तक मेरी तबीयत ठीक हो गई थी। मेरी तबीयत ऐसी ही कब ख़राब हो जाती है कब ठीक हो जाती है पता नहीं चलता। तो ये दूसरे दिन की शाम की क्लिप है। रात की हम लोग जा रहे थे ऐसे घूमने, हस्बैंड बोले चलो चलना है तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा, तो मैं और दोनों बच्चे और हस्बैंड जा रहे थे घूमने ऐसे, मतलब मार्केट तक ही जा रहे थे, ऐसा कुछ कहीं जाना नहीं था हम लोग को क्योंकि रात हो गई थी। तो ये मैंने रास्ते की छोटी सी क्लिप ले ली थी। तो ये हमारी जहाँ हम रहते हैं वहीं पास का ही छोटा सा मार्केट है, और काफ़ी लेट हो गए थे तो हमको लग रहा था कहीं मार्केट बंद ना हो जाए, पर बंद हुआ नहीं था क्योंकि हम घर ही से 8 बजे निकले थे, पर अभी तो 10 बजे तक मार्केट खुला रहता है। तो हम जा रहे थे और एक दिन पहले ही मुहर्रम था तो जिस वजह से ये लाइट्स वगैरह लगी थी झालर वगैरह ब्रिज वगैरह में, तो सजावट थी थोड़ी थोड़ी पर मैंने पूरा कैप्चर नहीं किया था। और मार्केट से आने के बाद हम लोग यहाँ पर डांस प्रैक्टिस कर रहे थे क्योंकि बच्चे मेरी रील्स देख के कह रहे थे कि मम्मी हम भी करेंगे, तो यहाँ पर मैं भी साथ में कर रही थी तो हस्बैंड ने छोटी सी क्लिप ले ली थी। तो यहाँ पर डुग्गू इतना खुश था क्योंकि डुग्गू को ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, मुझे वैसे हालांकि ज़्यादा डांस वांस करना आता नहीं है पर थोड़ी मोड़ी कर लेती हूँ। उसके बाद ये है मंडे की क्लिप, मंडे की नहीं है डेट मेरे को याद नहीं है, पर उसके 2 या 3 दिन के बाद की क्लिप है। तो यहाँ पर हमारे घर ही के पास एक मंदिर है तो यहाँ पर बन रहे थे शंकर जी और उनका हो रहा था अभिषेक, पर हम लेट पहुँचे थे जब शंकर जी ऑलरेडी बन चुके थे क्योंकि हमको टाइमिंग नहीं पता थी और मेरी ननंद अपनी ड्यूटी से भी नहीं आई थी इस वजह से मैं अकेले आ नहीं सकती थी। तो यहाँ पर हम आ गए थे मंदिर, तो यहाँ पर पूजा वगैरह हमको मिल गई थी थोड़ी मोड़ी करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर हवन की तैयारी होने लगी थी तो हमने थोड़ा बहुत जो पूजा थी वो की। उसके बाद यहाँ पर सब लोग हवन कर रहे थे और काफ़ी लोग थे मोहल्ले के जितनी भी लेडीज़, और पहले हम इसी मोहल्ले में रहते थे पर अब हम दूसरी जगह रहने लगे हैं। तो ये यहाँ पर बहुत ही अच्छा मंदिर है, यहीं पर मैं आपने देखा होगा मेरे बहुत से वीडियो में मैं यहाँ पर पूजा वगैरह करने भी आती हूँ। और अभी तो वैसे भी सावन चल रहा है, सावन के समय पर सभी लोग शंकर जी वगैरह बनाते हैं, और इस बार तो वैसे भी 2 महीने का सावन है तो 1 महीना तो ऑलरेडी निकल चुका है, ये दूसरा मंथ चालू हो चुका है तो इस वजह से। और बहुत अच्छा लगता है यदि आप कहीं मंदिर वगैरह जाते हो तो, मतलब एकदम शांति सी मिलती है आप पूजा वगैरह करके। आरती वगैरह सब हो चुकी थी और पूजा वगैरह भी पूरी थी जो संपन्न हो चुकी थी। उसके बाद हम लोग घर आ जाते हैं यहाँ पर माता जी के दर्शन करके,
क्योंकि काफ़ी समय हो गया था और हमने खाना भी नहीं खाया था। तो घर आने के बाद, हम खाना वगैरह खाने के बाद ये यहाँ पर मैं बैठी हूँ। शाम को 7:30 बज रहे थे, हस्बैंड आ गए थे, तो मैंने उनके लिए और अपने लिए बनाई थी चाय। तो यहाँ पर मैं उन्हीं से कुछ बात कर रही थी, और इस समय फ्रेंड्स में वीडियो बना नहीं पा रही हूँ प्रॉपर तरीके से, क्योंकि डुगू बहुत ज़्यादा परेशान करता है और मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती इस समय। पता नहीं मुझे हो क्या गया है, कभी फीवर आ जाता है, कहीं कुछ लगा ही रहता है, जबकि मैंने डॉक्टर को दिखाया है, डॉक्टर ने पूरे टेस्ट किए हैं, उन्हें बोला नॉर्मल है, मौसमी फीवर है बोल देते हैं, तो वही मैं टैबलेट वगैरह खा लेती हूँ तो ठीक हो जाता है, फिर आ जाता है, जिस वजह से मैं अभी प्रॉपर तरीके से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, और डुगू परेशान करता है इस वजह से और भी नहीं बना पा रही। कुल जमा करके ये है कि मैं अभी एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ सारी चीज़ें एक साथ, लेकिन अब बहुत जल्द मैं अपनी रूटीन में आऊँगी, मैं प्रॉपर तरीके से रोज़ वीडियो डालूँगी। और अब तो वैसे भी फेस्टिवल आ रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर मैं बात कर रही थी, किससे बात कर रही थी ये मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किससे बात कर रही थी, पर बात कर रही थी क्योंकि हस्बैंड को लेट आना था इस वजह से, और खाना पीना बन चुका था, सब्जी रोटी मैंने बना ली थी, और हस्बैंड को लेट आना था, तो मैंने सोचा कि ब्लाउज़ मैंने बनवाए थे जो, तो वही मैं चेक करके, और साड़ियाँ रख रही थी क्योंकि अभी त्यौहार आ रहे हैं तो बहुत सी साड़ियाँ भी पहनने को लगेंगी, तो वही सब चीज़ें मैं रेडी करवा रही थी इस समय। तो यहाँ पर मैं वही कर रही थी, और कॉल में बात करते करते, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है कि मैं कॉल में बात करते करते पूरा काम कर लेती हूँ, और अगर बैठ के किसी से बात करती हूँ तो मेरा सर दर्द होने लगता है, और काम करते करते मैं बात कर लेती हूँ, मेरा काम भी हो जाता है और पता भी नहीं चलता मुझे। तो ठीक है फ्रेंड्स, यदि छोटा सा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए।